सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्टोरी टेलर। आज हम जॉनी डीप की फेमस मूवी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन डेड मैन चेस्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि वॉल्ट डिज्नी के पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवी सीरीज का सेकंड इंस्टॉलमेंट है, जिसे 2006 में रिलीज किया गया था। गाइस, हमारे चैनल पर एक्समैन मूवी सीरीज के सभी पार्ट को सीक्वल वाइज एक्सप्लेन किया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मूवी को लास्ट पार्ट से शुरू किया जाता है, जहाँ विल टर्नर और एलिजाबेथ की शादी को रोक दिया जाता है और विल को बंदी बना लिया जाता है। एलिजाबेथ बोलती है, ये सब क्यों हो रहा है। तब यहाँ पर ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी का चेयरमैन लॉर्ड कटलर बेकेट आ जाता है, जो विल और एलिजाबेथ के साथ नॉरिंगटन के खिलाफ एक गिरफ्तारी वारंट सुनाता है, जिसमें उन्होंने समुद्री लुटेरे जैक स्पैरो को शाही सेना से भगाने में मदद की थी। यहाँ नॉरिंगटन नहीं होता है, क्योंकि वो कंपनी छोड़कर समुद्र में जैक स्पैरो को पकड़ने निकल गया है। अगले सीन में कुछ लोग लुटेरों के कॉफिन को समुद्र में फेंक रहे होते हैं, जिसमें से एक कॉफिन में जैक होता है और वो अपने ब्लैक पर्ल जहाज पर आ जाता है। ब्लैक पर्ल जहाज पर सब लुटेरे उनके कप्तान जैक से बोलते हैं कि हमने बहुत टाइम से कोई डकैती नहीं की है और कंपनी हमारे पीछे आ गई है, तुम वहां से क्या लाए हो। कैप्टन जैक स्पैरो एक कपड़ा निकालता है, जिसमें एक चाबी बनी हुई होती है। जैक उनको बताता है, ये एक खजाने की चाबी है, इसके लिए हमें इस चाबी को ढूंढना होगा। यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे जैक अपने साथियों से कुछ छुपा रहा हो। जैक अपने कंपास में देखता है और उस दिशा में निकल जाता है। वहाँ विल को लॉर्ड कटलर के पास लाया जाता है, जहाँ वो बताता है कि तुम्हें और तुम्हारे मंगेतर को फांसी होने से बच सकती है अगर तुम मेरा एक काम कर दो। विल बोलता है, कैसा काम। तो लॉर्ड कटलर बताता है, उसे कप्तान स्पैरो के पास जाना होगा और हमारे लिए एक सौदा करना होगा। विल पूछता है, किस बात का सौदा। तो लॉर्ड कटलर बताता है कि उसकी एक खास चीज, उसका कंपास, तुम उससे उसका कंपास ले आओ, उसके बाद मैं तुम्हें और एलिजाबेथ को आज़ाद कर दूंगा। यहाँ ब्लैक पर्ल जहाज पर कप्तान जैक स्पैरो को दिखाते हैं, जिसको उसके जहाज पर बूट स्टेप टर्नर मिलता है। जैक बोलता है, तुम यहाँ पर कैसे आ गए। तो बूट स्टेप टर्नर बोलता है कि जब वो समुद्र की गहराई में डूब रहा था, तो उसने डचमैन जहाज के कप्तान डेविड जोन से सौदा करके खुद को बचा लिया और उसका साथी हो गया। बूट स्टेप टर्नर बोलता है, तुमने डेविड जोन से ब्लैक पर्ल जहाज को समुद्र की गहराई से बाहर निकालने का सौदा किया था, अब वो सौदा पूरा हो चुका है, अब तुम्हें भी डचमैन जहाज पर 100 साल तक रहना होगा, वरना तुम्हें डेविड जोन्स का समुद्री शैतान क्रेकन तुम्हारे साथ ब्लैक पर्ल जहाज को वापस समुद्र की गहराई में ले जाएगा। बूट स्टेप बोलता है कि वो आ रहा है, उसे ले जाने जिसके हाथ में काला निशान है, और ये निशान जैक के हाथ में आ जाता है। जैक यहाँ पर डर जाता है और अपने लुटेरे साथियों से बोलता है, जल्दी से उठो और जहाज को किनारे पर लगाओ। तभी यहाँ बारबोसा का बंदर जैक की कप्तान की टोपी को लेकर समुद्र में डाल देता है। अगले सीन में जैक की टोपी दो नाविक को मिलती है, जिसको वो पहन लेते हैं। तभी यहाँ समुद्र के अंदर से कुछ हलचल होती है और उनकी नाव को कोई समुद्र के अंदर ले लेता है। विल एलिजाबेथ से मिलने जेल में आता है और बोलता है कि वो उसको यहाँ से बाहर निकाल लेगा और फिर वो शादी कर लेंगे। विल जैक को ढूंढने निकल जाता है, जहाँ उसके बारे में पूछते पूछते एक आदमी से मिलता है, जो बताता है उसने एक आइलैंड पर काले रंग का जहाज देखा है। यहाँ विल उस जहाज तक पहुँच जाता है, जो ब्लैक पर्ल जहाज रहता है। विल जहाज पर देखता है, जहाँ पर कोई नहीं होता है। विल जंगल में जाता है, जहाँ के आदिवासी उसको पकड़ लेते हैं और उनको कबीले के सरदार के पास लेकर आते हैं, जो और कोई नहीं जैक स्पैरो ही रहता है। विल जैक को बोलता है कि एलिजाबेथ को पकड़ लिया गया है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जैक कबीले वालों की भाषा में कुछ बोलता है और विल को वहाँ से ले जाते हैं। यहाँ सीन में एलिजाबेथ को दिखाते हैं, जिसको उसके पिता जेल से छुड़वा कर भगा देते हैं। एलिजाबेथ लॉर्ड कटलर के पास आती है और उससे एक सौदा करती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ कबीले के लोग विल को सब लुटेरे के साथ बंदी बनाकर रख देते हैं। गिब्स विल को बताता है कि कबीले वालों ने जैक को अपना सरदार मान लिया है और वो उसको पवित्र आत्मा मानते हैं, जिसको वो लोग मार के उसके शरीर को आज़ाद कर देंगे और उसके बाद हमें भी मार देंगे। यहाँ कबीले के सब आदिवासी जश्न मनाते हैं और जैक की बलि देते हैं। यहाँ जैक के लुटेरे साथी विल के साथ उनके पिंजरे से भाग निकलने की कोशिश करते हैं, जहाँ उनको एक आदिवासी देख लेता है और अपने कबीले में आकर बताता है कि लुटेरे भाग रहे हैं। अब सब आदिवासी उनके पीछे जाते हैं और जैक को वहीं छोड़ देते हैं, लेकिन जैक के पास आग लग जाती है और वहाँ से वो खुद को बचाता है। सब लुटेरे वहाँ से भागकर अपने जहाज ब्लैक पर्ल पर आ जाते हैं और उनके पीछे जैक भी आ जाता है। जैक के पीछे सारे आदिवासी होते हैं। गिब्स जहाज को लेकर निकलता है, जहाँ अब जैक भी जहाज पर आ जाता है। जहाज पर विल जैक को बोलता है कि एलिजाबेथ की जान खतरे में है, उसको बचाना होगा, तुम मुझे तुम्हारा कंपास दे दो। जैक बोलता है, मैं तुम्हें अपना कंपास दे दूंगा, लेकिन उसके पहले तुम्हें ये चाबी ढूंढनी होगी। यहाँ जैक उसके लुटेरे साथियों के साथ एक जादूगरनी टिया डोलमा से मिलने आता है। विल पूछता है कि जैक को खुले समुद्र से डर क्यों लगता है। तब गिब्स बताता है कि डेविड जोन्स का एक खूंखार राक्षस क्रेकेन से वो डरता है,
जो बहुत ही खतरनाक है। जैक टिया डोलमा के पास पहुंच जाता है और उससे चाबी को ढूंढने की मदद मांगता है। वो पूछती है, मैं तुम्हें अपना जादुई कंपास दिया था, तुम्हें उससे कुछ नहीं मिला जो मेरे पास आ गए। टिया डोलमा चाबी के बारे में बताने के लिए जैक को बोलती है कि बदले में मुझे क्या मिलेगा। तब जैक टिया डोलमा को बारबोसा का बंदर देता है जो कभी मर नहीं सकता है। टिया डोलमा चाबी को देखकर बताती है, ये एक संदूक की चाबी है जिसके अंदर इस समुद्र का पहला इंसान डेविड जोन्स का दिल है, जिसने एक औरत से प्यार किया लेकिन उसको जो दर्द मिला उससे उसका जिंदा रहना मुश्किल था। इसलिए डेविड जोन्स ने अपना दिल निकाल कर उस संदूक में रख दिया और उसे छुपा दिया। डेविड जोन्स उस संदूक की चाबी हमेशा अपने पास रखता है। विल बोलता है, तो फिर हमें बस डचमैन जहाज को ढूंढना होगा और चाबी लानी होगी। टिया डोलमा जैक को एक रेत से भरा जार देती है और बोलती है, तुम जमीन पर रहोगे तो बचे रहोगे। साथ में टिया डोलमा डचमैन जहाज का ठिकाना बताती है और अब जैक विल के साथ वहां पर पहुंच जाता है। जैक विल को उस जगह पर जाने को बोलता है और कहता है, अगर तुम पकड़े जाओ तो बोल देना कि तुम्हें जैक स्पैरो ने भेजा है अपना कर्ज उतारने। विल वहां एक टूटे जहाज पर पहुंच जाता है जिसके दूसरी तरफ समुद्र में से डचमैन जहाज बाहर निकल कर आता है। विल के पास अजीब से दिखने वाले लुटेरे आते हैं जो विल को डचमैन जहाज पर ले आते हैं, जहां पर अब डेविड जोन्स को दिखाया जाता है जो एक तरह का ऑक्टोपस जैसा होता है। डेविड जोन्स विल से पूछता है, तुम कौन हो और यहां पर क्यों आए हो। तब विल बताता है कि वो यहां पर जैक स्पैरो का कर्ज उतारने आया है। जैक स्पैरो अपने जहाज से डचमैन जहाज पर देखता है जहां उसे डेविड जोन्स दिखता है और तभी वो जैक के पास आ जाता है और उसको पकड़ लेता है। डेविड जोन्स बोलता है, तुमने मुझसे ब्लैक पर्ल जहाज के लिए सौदा किया था जो अब पूरा हो चुका है, अब तुम्हें मेरे लिए 100 साल गुलामी करनी होगी। जैक बोलता है, मैंने मेरे कर्ज को उतारने के लिए एक आदमी को भेज दिया है। लेकिन डेविड जोन्स बोलता है, तुम्हारा कर्ज 100 आदमियों से उतरेगा जिसमें से एक तुमने ले आए हो, अब बाकी के 3 दिन के अंदर तुम्हें लाने होंगे। डेविड जोन्स जैक के हाथ से वो काला निशान हटा देता है जिससे केन क्रेन उसको मार नहीं सके। अब जैक उसके बाकी बचे आदमियों को ढूंढने टोर्टुगा जाता है और अपने लिए आदमी ढूंढता है, लेकिन उसको वहां पर 4 आदमी ही मिलते हैं जिसमें से एक कमांडर नॉरिंगटन रहता है। नॉरिंगटन को पता चल जाता है कि जैक यहां पर है और वो जैक को पकड़ लेता है। तभी यहां पर सब लोग लड़ने लगते हैं और यहां पर एलिजाबेथ स्वान भी आ जाती है। यहां डचमैन जहाज पर विल को दिखाया जाता है जो उसके पिता बूट स्टेप टर्नर से मिलता है और उनको वो चाबी दिखाकर उसके बारे में पूछता है, जहां वहीं पर मौजूद एक लुटेरा बताता है कि ये डेविड जोन्स की संदूक की चाबी है जिसमें उसका दिल रखा हुआ है, वो उसे अपने पास रखता है। यहां जैक को दिखाते हैं जिसके पास एलिजाबेथ आ जाती है और उसके साथ नॉरिंगटन भी रहता है। एलिजाबेथ बोलती है कि विल कहाँ है। तब जैक बताता है कि वो डेविड जोन्स के पास है, अगर हमें विल को बचाना है तो डेविड जोन्स का संदूक ढूंढना होगा जिसमें उसका दिल है, उसके बाद हम उससे कुछ भी करा सकते हैं। एलिजाबेथ बोलती है, कैसे। तब जैक एलिजाबेथ को अपना जादुई कंपास देता है जो जैक के लिए टिया डोलमा ने बनाया होता है। जैक अपने कंपास के बारे में बताता है और बोलता है कि तुम जिसके बारे में सोचोगी ये कंपास वो रास्ता बताएगा और वो तुम्हें मिल जाएगा। एलिजाबेथ अपने सच्चे दिल से विल के लिए कंपास से वो दिशा ढूंढ लेती है और अब जैक एलिजाबेथ के साथ उस संदूक के लिए अपने जहाज से निकल जाता है। डचमैन जहाज के लुटेरे एक खेल खेल रहे होते हैं जहां वो अपनी गुलामी के साल लगा रहे होते हैं। यहां विल डेविड जोन्स को गेम में खेलने की चुनौती देता है जिसमें अगर वो हार जाएगा तो वो हमेशा के लिए डचमैन जहाज पर रहेगा, लेकिन अगर वो जीत जाएगा तो डेविड जोन्स को अपनी चाबी देनी होगी। अब इस गेम में बूट स्टेप टर्नर भी आ जाता है और गेम को खेलता है। बूट स्टेप टर्नर को पता लग जाता है कि विल हारने वाला है, इसलिए वो अपनी चाल को बदल देता है जो डेविड जोन्स को पता लग जाता है। डेविड जोन्स बूट स्टेप से बोलता है, तुम हार गए हो, अब हमेशा के लिए यहां पर रहना होगा, और विल बच जाता है। यहां विल रात में चालाकी से डेविड जोन्स के पास से वो चाबी को निकाल लेता है और अपने पिता को यहां से बचाने का वादा करके चला जाता है। विल एक जहाज पर आ जाता है जहां पर एलिजाबेथ थी। यहां डेविड जोन्स को पता लग जाता है कि विल चाबी को लेकर भाग गया है। अब डेविड जोन्स समुद्री राक्षस कैनकन को जगा देता है जो विल के जहाज को पूरी तरह से खत्म कर देता है और उसको डुबो देता है। विल अभी भी बच जाता है। डेविड जोन्स बोलता है, संदूक अब सुरक्षित नहीं है, हमें इस्ला टापू पर जाना होगा। यहाँ ब्लैक पर्ल जहाज पर एलिजाबेथ कंपास से उस टापू पर पहुंच जाती है जहां पर डेविड जोन्स का संदूक है, जिसके साथ में जैक और नॉरिंगटन भी आते हैं। नॉरिंगटन संदूक को जमीन से बाहर निकाल लेता है जिसके अंदर डेविड जोन्स का दिल धड़क रहा होता है। तभी यहां पर विल आ जाता है और एलिजाबेथ को बता देता है कि जैक ने उसे चालाकी से उसे डेविड जोन्स के जहाज पर भेज दिया था। जैक विल को संदूक को खोलने को मना करता है क्योंकि अगर वो डेविड जोन्स को मार देगा तो उसे कैनक्रन से कौन बचाएगा। यहाँ अब जैक विल और नॉरिंगटन तीनों संदूक के लिए लड़ते हैं। विल के पास संदूक की चाबी होती है। यहाँ संदूक को दोनों लुटेरे लेकर भाग जाते हैं और अब आइलैंड पर डेविड जोन्स के लुटेरे संदूक को लेने आ जाते हैं।
जेक विल और नॉरिंगटन लड़ते लड़ते एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां जेक नॉरिंगटन को बोलता है, तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार कौन है? ये विल। तब नॉरिंगटन विल से लड़ने लगता है और वो एक बड़े से विल पर लड़ते हैं। यहाँ डेवी जोन्स के लुटेरे एलिजाबेथ से संदूक के लिए लड़ते हैं, जहाँ एक लुटेरा संदूक को लेकर भागता है जिसको जेक मार कर गिरा देता है। जेक के पास संदूक की चाबी आ जाती है और वो संदूक को खोल देता है जिसके अंदर डेविड जोन्स का दिल धड़क रहा होता है। जेक उस दिल को अपने पास रखता है और उसको बंद कर देता है। अब सब लुटेरे खाली संदूक के लिए लड़ते हैं। जेक टिया डलमा की दी हुई मिट्टी के जार में डेविड जोन्स का दिल छुपा देता है और वहाँ से भागने लगता है। तब वहाँ वापस जेक की लुटेरे से लड़ाई होती है। जेक की नाव के पास नॉरिंगटन आता है जिसको समझ में आ जाता है कि जेक ने कुछ किया है। अब नॉरिंगटन एलिजाबेथ को बोलता है कि इन लुटेरे से तभी बचा जा सकता है जब ये संदूक हमारे पास ना हो। नॉरिंगटन खाली संदूक को लेकर भागता है जिसके पीछे अब डेविड जोन्स के लुटेरे आ जाते हैं। नॉरिंगटन वो संदूक को लुटेरे के सामने गिराकर वहाँ से भाग जाता है और लुटेरे उस संदूक को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जेक विल और एलिजाबेथ के साथ अपने जहाज ब्लैकपल पर आ जाता है। तभी यहाँ समुद्र से डेविड जोन्स का जहाज फ्लाइंग डचमैन निकलता है। जेक डेविड जोन्स को अपना मिट्टी का जार दिखाता है जिससे डेविड जोन्स अब अपनी तोप से ब्लैकपल को तबाह करने लगता है। जेक ब्लैकपल जहाज को भगाकर बहुत आगे ले आता है क्योंकि ब्लैकपल जहाज सबसे तेज होता है। डेविड जोन्स ब्लैकपल्स का पीछा करने को मना कर देता है। ब्लैकपल जहाज पर सबको लगता है कि वो बच गए हैं। यहाँ डेविड जोन्स उसके राक्षस कैनकन को जगा देता है। जेक को लगता है कि उसके पास डेविड जोन्स का दिल है जिससे वो बच जाएंगे, लेकिन वो जार नीचे गिर जाता है जिसमें डेविड जोन्स का दिल नहीं होता है। कैनकन पूरे जहाज पर हमला कर देता है जहाँ विल कप्तान बनकर जहाज को बचाता है। जेक वहाँ से नाव में भाग जाता है। विल कैनकन को रोकने के लिए गोला बारूद के साथ शराब को भरने को बोलता है। अब कैनकन पूरे तरह से बाहर आ जाता है जो एक बड़ा ऑक्टोपस जैसा होता है। विल एलिजाबेथ को उस बारूद से भरे ड्रम में गोली चलाने को बोलता है लेकिन वो चला नहीं पाती है। तभी यहाँ जेक वापस अपने जहाज पर आ जाता है और वो गोली को चला देता है जिससे एक बड़ा धमाका होता है और कैनकन समुद्र के अंदर चला जाता है। यहाँ सबको लगता है इससे उन्होंने कैनकन को और भड़का दिया है और अब सब लुटेरे जहाज को छोड़कर किनारे पर जाने के लिए तैयार होते हैं, जहाँ जेक भी अपने जहाज ब्लैकपल को छोड़ने के लिए बोलता है। लेकिन एलिजाबेथ चालाकी से जेक को ही ब्लैकपल जहाज पर बांध देती है और बोलती है कि वो राक्षस जहाज के पीछे नहीं है, तुम्हारे पीछे हैं। सब लुटेरे वहाँ से चले जाते हैं जिनको एलिजाबेथ बोलती है जेक हमें बचाने के लिए जहाज पर रुक गया है। जेक जहाज से खुद को छुड़ा लेता है लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। समुद्री राक्षस ऊपर आ जाता है जहाँ जेक उससे भागने की जगह उसे अपनी तलवार निकाल कर सामना करता है और कैनकन जेक के साथ पूरे ब्लैकपल जहाज को ख़त्म कर देता है। जेक के जहाज को डूबते हुए उसके लुटेरे साथी और डेविड जोन्स देखते हैं। डेविड जोन्स अपने संदूक को खोलता है जिसके अंदर उसका दिल नहीं होता है। तभी यहाँ सीन शिफ्ट करके लॉर्ड कटलर के पास दिखाया जाता है जिसके पास नॉरिंगटन आता है, जिसको लॉर्ड कटलर बोलता है तुम कंपास लाए हो। तो नॉरिंगटन बोलता है कि उससे कीमती चीज़ डेविड जोन्स का दिल, वो उसको उसके सामने रख देता है। जेक के सब लुटेरे साथी टिया डलमा के पास आ जाते हैं और जेक के जाने का दुख करते हैं। टिया डलमा बोलती है जेक को बचाया जा सकता है अगर तुम दुनिया के अंत में जाकर आत्माओं से लड़ सको। सब लुटेरे जेक को बचाने के लिए हाँ करते हैं और एलिजाबेथ भी हाँ करती है। जहाँ टिया डलमा बोलती है इसके लिए तुम्हें एक कप्तान चाहिए होगा, तब यहाँ पर एंट्री होती है कप्तान बारबोसा की जो अभी भी जिंदा होता है और यहाँ पर मूवी का एंड होता है। सो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बताएं। अगर हो सके तो ये मूवी को अपने दोस्तों तक शेयर करें। आगे ऐसे और भी मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।